महाराष्ट्र कर्नाटक भी खूब लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है। 24 अक्टूबर से शुरू हुआ मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया। आज लौटकर फिर 25 तारीख हो गई 25 नवंबर। हालात ऐसे हो गए कि पार्टियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के सहयोग से आनन फानन में ले ली सीएम पद की शपथ। लेकिन जो लोग बहुत दिन से खुद को सत्ता पर देखने की आस लगाए बैठे हैं, उन्हें तो पीड़ा होगी ही। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को पीड़ा हुई भी ऐसी कि पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट न्याय मांगने। अब फडणवीस सरकार को सिर्फ फ्लोर पर खुद का बहुमत साबित करना है। सबको दिखाना है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से उसके पास 145 सीटों का समर्थन है। लेकिन फडणवीस कैसे कर पाएंगे ये सब बिना अजीत पवार के, क्योंकि अजीत पवार के ही 54 विधायकों के बल पर फडणवीस ने राज्यपाल के सामने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन अगर अजीत पवार ही नहीं होंगे तो फिर प्रदेश में कैसे बरकरार रह पाएगी फडणवीस सरकार, क्योंकि सबसे पहले तो अजीत पवार ने अब तक डिप्टी सीएम पद का कार्यभार नहीं संभाला है। उसके बाद जो सीएम फडणवीस ने पहली मीटिंग बुलाई उसमें भी डिप्टी सीएम के लिए रिजर्व कुर्सी खाली ही पड़ी दिखाई दी, और फिर 26/11 की श्रद्धांजलि सभा में भी अजीत पवार का ना पहुंचना बहुत कुछ कहता है। तो क्या लगता है, पवार फिर मार सकते हैं पलटी? इस बीच महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस ने बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए किसानों के लिए 5,380 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया। सीएम ने इस राशि को महाराष्ट्र आपदा राहत कोष से जारी किया है। सीएमओ महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी गई है। बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग में बाढ़ वाले इलाकों के पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में पहुंचाने की योजना पर बात हुई। इस स्कीम में वर्ल्ड बैंक खुद 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसमें से 350 करोड़ रुपए की राशि तकनीकी सहायता में इस्तेमाल की जाएगी। बता दें कि फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए बेकरार अजीत पवार सोमवार से ही अपने भरोसेमंद विधायकों को जुटाने में जुट गए थे। उन्होंने एनसीपी के जिन भी विधायकों से संपर्क किया उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि मैं अगर कोई बड़ा कदम उठाऊं तो क्या मैं आपको अपने साथ गिन सकता हूं? हालांकि उन्होंने विधायकों से कदम को लेकर जिक्र नहीं किया था कि कदम क्या होने वाला है। फिर वो कांग्रेस और शिवसेना के बीच चल रही बातचीत में भी शामिल रहे। सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली में कम से कम 5 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा रहे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार के मन में क्या है। क्या वो बीजेपी के साथ ही रहकर सरकार के कामकाज का लुत्फ उठाना चाहते हैं, या फिर बहुमत के अभाव में वो भी फडणवीस सरकार का साथ छोड़कर वापस एनसीपी में उसी दमखम के साथ लौट जाना चाहते हैं।